हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातीज रसोई। आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। गुजिया एक पारंपरिक मिठाई है जिसे करंजी, पुरुकिया, घुघरा नाम से भी जाना जाता है। इसे होली, तीज, दिवाली जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे मैंने मैट के डिजाइन में बनाया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। मावा गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप मावा, यह मैंने घर में बनाया है, 1/4 कप पाउडर शुगर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच नारियल का बूरा, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है, 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी मोयन के लिए और रिफाइंड ऑयल तलने के लिए। एक फ्राई पैन में मावा डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट भूनेंगे जिससे यह हल्का सॉफ्ट हो। 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। यह घर का बना मावा है इसलिए इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे। अगर आप मार्केट का मावा यूज करते हैं तो उसे 5-6 मिनट तक भूनना है, जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉल में मैदा लेंगे, इसमें मेल्टेड घी देंगे। घी को मैंने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मोयन मिला लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके कड़क सा आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथ लिया है, अब इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मावा ठंडा हो गया है, अब इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, नारियल का बूरा, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लिया है, अब इसे साइड में रख देंगे और मैदा लेंगे और इसे एक बार दोबारा मिला लेंगे। अब मैदे में से थोड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। इसकी पतली सी बड़ी रोटी बेलेंगे, अब इसे साइड से काट लेंगे। इसे काट लिया है, अब इसे बीच से भी काट लेंगे। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे। अब इसमें मावा की स्टफिंग डालेंगे और इसे उठा करके यहाँ पर प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा ये लगा देंगे जो मैंने मैदा और पानी का घोल बनाया है, जिससे यह अच्छे से चिपक जाए। अब दूसरे साइड का उठाएंगे और उसको भी ऐसे प्रेस करके इसे चिपका दिया है। अब साइड वाले को पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। अब एक स्ट्रिप को उठाएंगे और इसे साइड में चिपका देंगे। अब दूसरे साइड से एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको दूसरे साइड में चिपका देंगे। अब दूसरे स्ट्रिप को लेंगे, उसको चिपका देंगे। इसी तरह हम मैट की डिजाइन बना लेंगे। अब यह लास्ट वाला चिपका देंगे।
इसे बना लिया है। इसी तरह सभी गुजिया को बनाएंगे। इसे साइड में अच्छे से दबाना है, नहीं तो तलते टाइम यह खुल सकता है। सारा गुजिया बना लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। रिफाइंड गरम हो गया है, इसके लिए हमें ज़्यादा तेल गरम की जरूरत नहीं है। इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अब इसे पलट लेंगे। गुजिया फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह और गुजिया तल लेंगे। सारे गुजिये तल लिए हैं। इस होली पर आप इसे ज़रूर बनाइए। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू।